क्या ना, मैं मेरठ से और जाट हूँ। हमें ना बचपन से बताया जाता है कि तुम ना बहुत स्ट्रांग हो। हाँ, ये कोई नहीं कहता तमीज से रहना। बस बोल दिया स्ट्रांग, मैंने मान लिया। रिसेंटली मेरा ये भ्रम टूट गया। हाँ, मेरे कंधे पे एक बर्थ मार्क है, लेफ्ट शोल्डर पे, वो एक्सपैंड हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि ठीक है, शर्ट उतारो बेटा, दिखाओ। मैंने दिखाया, कह रहा खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ मेरे क्लिनिक से। मैं क्या हुआ? कह रहा पहले जाके वैक्सीन करा के आओ। कह रहा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, तुम्हें पता भी कैसे चल रहा है बर्थ मार्क है। सर मेरे तो बर्थ से है ना, बाल बाद में आए थे। मैं घर आया, मैं स्ट्रांग, मैं बहुत स्ट्रांग। मैंने एक बार स्विफ्ट डिजायर की टिक्की जोर से बंद करी, स्विफ्ट बन गई थी वो। मैं इतना स्ट्रांग। मेरे घर से फोन आया, कह रही है मम्मी ने पूछा क्या कर रहा है, मैंने कहा वैक्सीन करा रहा हूँ। छोटी वाली बहन तो सुन के मर गई, कह रही ये सब क्या करा रहे भैया। हाँ, मेरी मम्मी कह रही बेटा कुछ अच्छा सा खाने को बनाया, खा ले एक बार, फिर पता नहीं कब मिले। पापा कह रहे LIC के कागज पे साइन कर। मैं कहा हुआ क्या है तुम्हें, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मैं स्ट्रांग, मैं करा लूंगा अपने आप। वो पता है ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि मेरा कुछ है, मेरे कुछ ग्रोथ कुछ ज्यादा ही है। कौन कौन रिलेट करेगा मुझसे, मतलब समझ रहे हो पाजी, आप समझ रहे हो है कुछ, मतलब कुछ ज्यादा ही है, मतलब कोई भी हाईएस्ट नंबर इमेजिन कर लो आप, तारे गिन सकते हो, इन्हें नहीं गिन पाओगे आप। कुछ ज्यादा ही है यार ये, मैं रजाई गद्दे भर सकता हूँ इनसे। यार मेरे बाइसेप्स पे बाल हैं, किसी के नहीं होते बाइसेप्स पे, राम रहीम के और मेरे हैं बस। ये वरदान ही हम दो लोगों को मिला है। मुझे तब तक तो कोई आइडिया नहीं, मैं मस्त घूम रहा हूँ चौड़ में। मैंने तैयार हुआ, मैंने अर्बन क्लैब से एक आंटी बुला ली। आंटी आई, वैक्स करके चली गई। नहीं पाजी नहीं, मैं बताता हूँ। मुझे उस दिन पता चला कि ये जो मंजू आंटी आती है ना, ये जो बैग में लेके आती है, ये वैक्स का डब्बा, ये होता है मौत का फरमान। और ये मंजू आंटी है मौत की सौदागर, ये घर घर जाके मौत बेचती औरत ये, इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये प्रोफेशनल हो रखी है, ये घर में आई, इसने कहा हाउ आर यू, मैंने कहा आई एम स्ट्रांग। कहती देखते हैं दो मिनट। ये आई, इसने आके पहले तो मुझे 5 फ्लेवर दिखाए। हाँ फ्लेवर। कहती इससे करा लो, इससे दर्द कम होता है। मैं कहा दर्द तो होता ही नहीं, ये बताओ सस्ता कौन सा। केरी इससे करा लो, मैं क्या कर दो। इसने उठाया वो मौत का फरमान, एक हीटर सा निकाला, उस पर रखा और वो गर्म होना शुरू हुआ, उसमें से निकली लपटे और मेरी फटनी चालू। मैं क्या शायद मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ। वो स्विफ्ट वापस से डिजायर बनने लगी। मैं गया, मैंने कहा आंटी आप सही प्रोसीजर फॉलो कर रही हो ना, ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है। कहती गूगल पे पढ़ लो। मैंने गूगल पे पढ़ा, पर गूगल पे दर्द तो लिखा ही नहीं है, गूगल पे प्रोसीजर लिखा था। मैं कह ये तो ठीक है, मैं करो। आंटी ने वो गर्म किया, कहती आओ बेटा लेट जाओ, ये खौफनाक मंजर दिखाओ एक बार। मैंने शर्ट उतारी, आंटी डर गई, कह रही क्या है ये, एक जन्म के हैं।
कहती बेटा घास काटने की मशीन तो लाई नहीं हूं मैं। मैं कहा आंटी फटाफट करो ना, कहती बेटा एक आदमी का काम ही नहीं है ये। अर्बन क्लैब में फोन लगाते, कह रही सुनो सरला को भी भेज दो। और ये जो मैं स्ट्रिप्स लाई हूं ना, इन पट्टियों से कुछ नहीं होगा, एक तिरपाल भेज दो। सरला आंटी आई तिरपाल लेके, पहले तो सरला आंटी की फटी। उन्होंने देखा, कह रही दीदी इसके 1000 एक्स्ट्रा लेना, ये तो मजदूरों वाले काम करा रहा है। कहा आप दोनों करोगे या बस बकचोदी करते रहोगे? एक कर रहे, एक मिनट रुक जा, कर रहे। आंटी ने उठाया नाइसिल का पाउडर, वो थोड़ा सा मेरे ऊपर डाला, वो खत्म हो गया। कह रही सरला मैं तुम्हें बताने भूल गई थी, सॉरी। इसके घर में आशीर्वाद आटा होगा, जरा लेकर आना। इन्होंने मेरे पे आटा डाला, फिर उठाया आंटी ने वो मौत का फरमान, गरम गरम वो मेरे ऊपर बिछाया ऐसे। उससे वो इतना गरम था कि मेरी निप्पल से मेरी रूह निकल गई। फिर उठाया आंटी ने त्रिपाल, त्रिपाल मेरे ऊपर बिछाया, फिर दोनों घुटने मेरे ऊपर रख के कहती सरला मुझे पीछे से पकड़ लो। सरला ने मंजू आंटी पकड़ ली, मंजू आंटी ने त्रिपाल पकड़ ली, फिर इन्होंने किया 1 2 3। 3 पे तुम मुझे खींचना, मैं इसे खींचूंगा। जब ये 2 पे पहुंचे, मैं कहा आंटी एक सेकंड वेट से। मैं कहा आंटी कुछ होगा क्या? कहती अभी आपको स्ट्रांग होने का सर्टिफिकेट मिला। मैं कहा ठीक। इन्होंने 3 पे त्रिपाल खींच दी, मैंने खिड़की की तरफ देखा तो यमराज की भैंस भागती हुई आ रही थी। वो मुझसे आके बोलिए क्या कराइए, मुझे थोड़े ना पता था। कहती बेटा इतनी जल्दी में आई हूं, यमराज को लाना भूल गई मैं। आपकी रूह मुझे रास्ते में जाती हुई मिली है।